नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मुंडाओं के अंतिम राजा मदरा मुंडा के साथ ही नागवंशी का जो राज्य व्यवस्था है वो नागवंशियों को हस्तांतरित हुई, यानी कि नागवंशियों के पहले राजा फणी मुकुट राय ने राज्य कार्य संभाला। इस दौर पर हम कह सकते हैं कि जो मुंडा जैसे राज्य चला रहे थे उसी प्रकार वो चलता रहा, कहीं भी कोई कर लेने का प्रावधान या किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं था उनके जो राज्य शासन व्यवस्था में। परंतु जब धीरे धीरे बाहरी यानी कि मुगल लोग आते हैं और नागवंशी राजाओं पे जबरदस्ती कर का दबाव डालते हैं, तब जा कर के कहीं ना कहीं हमारे जो नागवंशी राजा हैं वो मजबूर होकर आम प्रजाओं से कर लेना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ जो शासन व्यवस्था हम देख रहे हैं ये जैसे पूर्व में मुंडाओं द्वारा चलाया गया था, वही शासन व्यवस्था को नागवंशी राजाओं ने भी अपनाया और अंत तक जारी रखने का कोशिश किया। परंतु जैसे मुगलों के दबाव में आकर जो कर लेने का प्रावधान वो चालू हुआ, यानी कि आप कह सकते हैं मदरा मुंडा के बाद में जो नागवंशियों को मुंडा राज्य हस्तांतरित हुई, यानी कि नागवंशी राजा जो पहला फणी मुकुट राय बना, उसने मुंडाओं के राज्य या शासन काल में या शासन व्यवस्था में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया था। लेकिन जब धीरे धीरे मुगल आए और यहाँ नागवंशी राजाओं पर दबाव डाला, कर का दबाव डाला और भी अनेक प्रकार के प्रतिबंधे लगा दी, तब जाके इन्हें मजबूर होकर झारखंड के मतलब जो भी राज्य था उस राज्य का क्षेत्र में आम जनताओं से कर लाने का एक प्रावधान चालू हुआ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि ये वीडियो भी पहले की तरह पूर्णता डीप नहीं है, लेकिन बस समझने के लिए, क्योंकि इस नागवंशियों के शासन व्यवस्था के बारे में एक वीडियो लाऊंगा जो कि पूरी डीप नॉलेज के साथ होगा, उसमें सारा चीज़ विस्तृत रूप से जो जानकारियाँ उसमें होंगी। ये तो बस शॉर्ट फॉर्म जस्ट समझने के लिए, और आप इसको जैसे कहीं पे एग्ज़ाम वगैरह में देखने के लिए तो ये आपको लिए वो बहुत अच्छा होगा। एग्ज़ाम वगैरह में अगर कहीं पूछा जाता है तो आप इसको बता सकते हैं, नहीं तो जो उसकी विस्तृत जानकारियों के साथ जो मेरी टीम है वो काम कर रही है, जैसे ही उनका काम समाप्त होगा मैं आप लोगों को एपिसोड बाय एपिसोड लेते आऊँगा। मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, नागवंशियों का शासन व्यवस्था, उरांव जनजातियों का शासन व्यवस्था, तो इस तरह झारखंड के जनजातियों का जितना भी शासन व्यवस्था है वो मैं आप लोग के समक्ष लेके आऊँगा। तब तक आप लोग बने रहिए मेरे इस चैनल पे सुगाड़ा जोहार पर। पिछला बार जो वीडियो मैंने डाला था मुंडाओं की शासन व्यवस्था, तो उसमें जैसे आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, मैं चाहता हूँ कि इसमें भी वैसा हो और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें। मैं आप लोगों से बहुत जल्द मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के आपका वही लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलें, बने रहिए इस सुगाड़ा जोहार चैनल पे। चलिए तब देखते हैं आगे इन नागवंशियों का शासन व्यवस्था। नागवंशी शासन व्यवस्था प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी मुंडाओं की राज्य व्यवस्था नागवंशियों को हस्तांतरित हुई। नागवंशियों के प्रथम राजा फणी मुकुट राय ने पढ़ा व्यवस्था को समाप्त नहीं किया और ना ही कोई परिवर्तन किया, बल्कि इसे विस्तार देने का ही प्रयास किया। नागवंशियों के काल में भी पूर्व की तरह भू व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था मुंडाओं की तरह ही चलते रहे। इस व्यवस्था में पहली शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु इस परंपरा के प्रथम प्रभावकारी हस्तक्षेप मुगलों के आक्रमण काल अर्थात 1585 ईस्वी से शुरू हुआ। मुगल सेना यहाँ के राजाओं से नजराना लेने लगी तथा बाद में धीरे धीरे इसने एक नियमित रूप धारण कर लिया, जिसे मालगुजारी कहा जाने लगा। नागवंशी कालीन व्यवस्था में कर या मालगुजारी लेने की प्रथा आम रैयतों से नहीं थी, अतः मुगल शासकों को संपूर्ण राज्य की मालगुजारी देना नागवंशी राजाओं के लिए कठिन होने लगा। 1616 ईस्वी में कर ना दे पाने के कारण छोटा नागपुर खास के महाराजा दुर्जन साल को कैद कर ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक जहांगीर द्वारा रखा गया था। 6000 रुपया सालाना कर देने की सहमति के आधार पर ही
दुर्जन साल को कैद से मुक्त किया गया। नागवंशी राजाओं पर कर बढ़ता गया, किंतु यहाँ अपनी प्रजा से कर लेने का प्रावधान नहीं था। लगातार बढ़ते कर की मात्रा के कारण नागवंशी राजाओं ने अपनी प्राचीन व्यवस्था को बदलकर लोगों से कर वसूलना आरंभ किया, तथा नागवंशी राजाओं ने पढ़ा के प्रमुख मानकियों को भूइहर कहा तथा मालगुजारी वसूलने का आदेश दिया। बाद में राजाओं ने अपने अलग जागीरदार रखे तथा उसे मालगुजारी वसूलने के लिए अधिकृत किया। इसमें भूइहरों की स्थिति और भी दयनीय हो गई। जागीरदार कर वसूलता था, किंतु यह नियमित रूप से नहीं दिया जाता था। यह तभी दिया जाता था जब कोई मुगल बादशाह मांग करता था, इसलिए अनियमित कर व्यवस्था को नजराना या पेशकश कहा जाता था। अंग्रेजों का आगमन मुगलों के बाद 1765 ईस्वी में दीवानी मिलने के बाद हुआ। आते ही इन लोगों ने इस क्षेत्र को पटना काउंसिल की व्यवस्था में फोर्ट विलियम के अधीन रखा। इस क्षेत्र से जब 1773 ईस्वी तक कोई नियमित कर ना मिला, तब छोटा नागपुर खास के एसजी व्हिटली को प्रथम सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया, किंतु इसे भी संग्रहण में सफलता ना मिली। अंग्रेजों ने कर वसूलने की कई तरीके अपनाए, किंतु उन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिली। कर की इस नियमित वसूली के लिए 1793 में अस्थाई बंदोबस्ती के बहाने राजा महाराजाओं को जमींदार बना दिया गया। जमींदारी प्रथा में बदल गई। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। इस व्यवस्था से प्राचीन काल से चली आ रही मुंडाओं एवं नागवंशियों की राज्य व्यवस्था समाप्त हो गई। अंग्रेजी राज्य व्यवस्था लागू हो गई। राजा महाराजा अंग्रेजों के लिए कर वसूलने के माध्यम मात्र रह गए। इसके बाद अंग्रेजों की विधि व्यवस्था की शुरुआत होती है। नए नए कानून एवं नियम आने लगे, जिसमें यहाँ के राजा महाराजा, मुंडा मानकी, पढ़ा पंचायत आदि विलीन हो गए। संपूर्ण देश के साथ साथ छोटा नागपुर भी अंग्रेजों के अधीन हो गया और नागवंशी राजाओं की राज्य व्यवस्था समाप्त हो गई। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने लोगों तक शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस छोटी सी जानकारी को जान सकें कि हमारे झारखंड का इतिहास कैसा था। और मैं बहुत जल्द आप लोगों के समक्ष आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें, और जितने भी इन जनजातियों का जो वीडियो सीरीज़ है, मैं उन्हें विस्तृत जानकारी के साथ लेकर के आऊँगा, और जो कि देखने में समझने में बहुत ही ईजी होगा। लेकिन तब तक के लिए वही बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।